ये देखिए ये फिश का खुराक खुद खा रहे हैं सर, ये फिश के लिए आपके लिए नहीं है, ये हम भी खा सकते हैं। ये क्या है? डबल रोटी। अच्छा अच्छा चलो ये हम लेते हैं, फिश को डालते हैं। ठीक है चलो जी एंड हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अब हम आए हैं बांकचाओ, एक एरिया है थाईलैंड में, बहुत ग्रीन है, जंगल है, जिसमें हम साइकिल पे शेयर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये पूरा एक जंगल है और हम साइकिल यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी हम शेयर कर सकें। तो आप देख सकते हैं हम घूम रहे हैं जंगल में और साइकिल से हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई वॉक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे साइकिलिंग की जगह है। मतलब सारे ट्रैक आप देख रहे हैं, साइकिल ट्रैक है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी जगह है तो आप साइकिल के बगैर नहीं देख सकते। तो इफ़ यू वांट टू विजिट एंड एक्सप्लोर ऑल दिस जंगल यू नीड अ साइकिल। तो हमने भी साइकिल ली है और घूम रहे हैं जंगल में साइकिल से, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। इधर साहब जी, राइट साइड पे आ जाओ, आगे आ जाए ना, राइट साइड कैमरे में आ जाए ना। अच्छा जी, ये हमारा दोस्त है जुबैर साहब, तो ये कल पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन आज हम इसको विजिट करा रहे हैं ताकि वो इंजॉय करे, आखिरी दिन है इसका जी। तो क्या कहेंगे सर इसके हवाले से, इस जंगल के हवाले से? अच्छा अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हाँ बहुत अच्छी जगह है साइकिलिंग के लिए। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं, इन सब लोगों ने साइकिल्स पार्क की हुए, अब हम देखते हैं कि हम भी पार्क करते हैं और आगे जाते हैं। आप परिंदे की आवाज़ देख ले, कितना खूबसूरत गा रहे है परिंदा। हाँ बैठा हुआ है, ढूंढूंगा। हम परिंदे को ढूंढ रहे जो सीटी बजा रही है ना, जो गा रही है, तो हम सोच रहे कि ये कहाँ बैठी है और कौन सा परिंदा है। क्वेल, हाँ नाम तो क्वेल है लेकिन किधर बैठा है ये नहीं पता। अच्छा सर, कैसा लग रहा है सर आज? आज कमाल का लग रहा है, सारा सिस्टम ही जो है ना, आज थोड़ा सा चेंज है, मौसम भी अच्छा है। हाँ, पहले की बनस्पत आज मौसम काफ़ी अच्छा है और जैसे बाकी विजिट्स थी हमारी उससे बेहतर है। हाँ, और हम साइकिलिंग पे आए हैं। व्हाट यू सी एनिमल? शाब खाना खाना
हेलो वालेकुम सलाम शीर तय मड़ा आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह है पानी तो गंदा है लेकिन जगह अच्छी है ये चलता है खूबसूरत आदमी कुछ कहे ना व्यूअर्स को आप कहाँ पे आए हो और ये जगह क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आने के लिए मतलब क्या हो जाए खास बात हम बैंकचाओ में आए हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है ख़ास करके साइकिलिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं काफ़ी बहुत अच्छे हैं बर्ड्स वाले बर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं अच्छा और मौसम कैसा है मौसम वैसे तो अच्छा होता है लेकिन आज बहुत गर्म है हाँ बिल्कुल यहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है लेकिन अभी तो धूप निकली है तो जाहिर बात है थोड़ा गर्म ही होगा यहाँ पे ये एक लेक भी है यहाँ पे आप फिशेस को फीड कर सकते हैं बिल्कुल अगर आपके पास खुराक है लेकिन हम नहीं लाए खुराक Sir, hi, Kare. Oh, yeah. Okay. Oh, yes. Yes. Hi, how are you? Good. Hello. You see? Okay, we see, yes. This is the lizard, the big lizard in the water. Acha sir, problem hi nahi hai, enjoy kar rahe hain life. Mr. Saab कैसा लग रहा है यार बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त एक एरिया है इनका हम लोग एक मरतबा पहले भी रिसर्च पे यहाँ आ चुके हैं अच्छा तो पता हमें ये चला कि ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ है अच्छा क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं आप देख रहे हो सारा और पानी बहुत ज़्यादा है इस वजह से इन्होंने यहाँ पे मतलब आईलैंड सा बनाया हुआ है बीच में रिक्रिएशन एरिया बनाया हुआ है जगह बहुत ग्रीन है बिकॉज ऑफ दी रेनी वाटर एंड रेन और यहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने स्पेशल बात यह है कि ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे लोग ज़्यादातर साइकिल्स यहाँ से किराए पे ओके तो हमने ये खुराक भी लिया है ये है कोई खुराक हमारी है ये हमारी खुराक नहीं है दिस इज फॉर फिश दिस इज फॉर फिश फॉर अस ओके फिश तो हमने ये खुराक लिए है इस यहाँ पे पानी में के अंदर फिश है तो ये आप ये फूड डाल के फिश के लिए तो वहाँ पे वो फिश खा सकते हैं ये फिश का खुराक है तो यहाँ पे लोग आते हैं खुराक लेके आते हैं फिश डालने के लिए तो फिश ऊपर निकल आते हैं और वो खा लेते हैं तो एक आपको फिश भी नज़र आएंगे यहाँ पे तो दिस इज़ द फूड फॉर फिश ये आप देखें आप देखें हम इसको फूड डालते हैं बहुत बड़ी और ये फिश आपको नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े फिश है यहाँ पे कुछ तो लिफ्ट भी नहीं करा रहे हाँ उनको शायद लोग इतना ज़्यादा खिला रहे हैं वापस कर दिए ये हमारे दोस्त फोटो शूटिंग कर रहे हैं फोटोज खिंचवा रहे हैं कोई वीडियोस बना रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं ओ इतना बड़ा फिश है यार यहाँ पे देख तो जी हम आए हैं बंगकचाओ में तो दोस्तों के साथ आए हैं और हमने यहाँ पे घूम लिया साइकिल भी लिए हमने यहाँ पे हम साइकिल पे आ रहे विजिट कर रहे तो यहाँ पे साइकिल पार्क किए थे फिश देख के फिश को खुराक डाला अब हम वापस जा रहे हैं
वापस साइकिल लेके जंगल में घूमेंगे यहाँ पे जो, और ये कूड़ा यहाँ नहीं फेंकेंगे, कूड़े को कूड़े हाँ, ये बात है कूड़ा हमने नहीं फेंकना क्योंकि जगह साफ है तो हम इसको साफ रखेंगे। इवन हम पाकिस्तान को भी हम साफ रख सकते अगर हम इस चीज़ का ख्याल रखें। तो आप भी आए हमारे साथ और ये जगह देखे, पूरी ज़बरदस्त जगह है और ये एक बहुत खूबसूरत। तो अब हम रेडी हैं वापस, अपनी साइकिल्स ले लिए हमने, हम घूमेंगे जंगल में और एक्सप्लोर करेंगे जंगल को साइकिल्स। हाँ सर आप रेडी है? यस आ जाए सर, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, देखिए बच्चे भी साइकिलिंग कर रहे हैं, छोटी साइकिल ली हुई है इसने। यहाँ पे हमने साइकिल पार्क कर ली और अब जाएंगे विजिट करेंगे इन खूबसूरत जगहों को। यहाँ से हम ट्राई करेंगे स्टार्ट एक और एडवेंचर की। हाँ आओ पानी आ जाते सर, आपको बहुत सामान है, कहाँ से पानी? ये आप जगह की पूरी डिटेल लिखी हुई है लेकिन ताई जुबान है तो हम अंग्रेजी में आ रहे हैं। जगह बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीन है और सुकून है बहुत ज़्यादा, मतलब ना कोई शोर है, लोग भी आ रहे हैं लेकिन शोर नहीं कर रहे, आराम आराम से बस एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा जो अचक रही साहब पानी भी पी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ सर एंजॉय कर रहे हैं? हो जी खास खूब बस खूब वेरी डिफिकल्ट। ये तोड़ने की कोशिश करें कि क्या है, कहा तोड़ूंगा तो पूरा निकल आएगा। ये यहाँ पे फ्रूट्स हैं, इनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि ये वाला फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम अब देखते हैं कि ये फ्रूट्स कैसे तोड़ा जाता है और इसके अंदर कैसा फ्रूट है। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे देखिए, जी एक तो तोड़ दिया, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा फ्रूट है और इसका जायका कैसा है। दिस इज लाइक अ पाम कोकोनट। Yes, it's like palm. In small size. ये बहुत सख्त है मेरे ख्याल में। How can we open it? हाथ से। It's not like a palm. It is a palm. This is not a palm. This is like a coconut. Yeah, it is like a palm. Palm is a tree. Hanifa palm. Palm oil से बनता है। अच्छा। अंदर कोई फ्रूट है? हाँ सामान की कमी नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया जो बंकचाओ है, ओके वो कहते हैं लंग्स ऑफ बैंकॉक। ये सर कोशिश करना है, पता नहीं इसके इसको हम कैसे तोड़ेंगे, बहुत सख्त है बिल्कुल कोकोनट की तरह है। इसको अंदर से तोड़ेंगे घर जाके।
सही है, इसको सर रखे बैग में डाले, ठीक है, अगर अच्छा हुआ तो फिर आएंगे कल इसको ले लेंगे। यस अंग्रेज, अंग्रेज आप कुछ बताएं ना इसके बारे में। बस ये है कि ये जहां हम आए हैं, ये बांकचाओ है जी। बांकचाओ मींस इन अदर वर्ड्स लंग्स ऑफ बैंकॉक। अच्छा, जो पूरी बैंकॉक को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये इसमें हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, यहाँ वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं, यहाँ वन नाइट स्टे भी थी हमारी। अच्छा, बड़ी मज़ेदार हमारी स्टार्ट की सेमेस्टर के स्टार्ट में बहुत मज़ेदार, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी मौसम अभी से गर्म थी, लेकिन अब तो मौसम बहुत अच्छा है। चारों तरफ रिवर है। हाँ, उस रिवर का जो शेप है वो लंग की तरह है। अच्छा, और इसके बीच में ये सारा ग्रीन एरिया एस्टेब्लिश हुआ है, और दैट्स व्हाई पीपल कॉल द लंग्स ऑफ। अच्छा, तो इसलिए बांकचाओ को लंग्स ऑफ बैंकॉक कहते हैं। ये इसका क्या नाम है आपको शायद पता होगा, रिवर है बहुत बड़ी जो है चाओ फ्रायर रिवर। चाओ फ्रायर रिवर, तो उसके जो है सेंटर में है ये, और उसके बाद फिर किंग ने पुल भी बनवाई उसको क्रॉस करने के लिए। पहले लोग किश्तियों पे क्रॉस करते थे, तो अब वो स्पेशली साइंटिफिक दूर है और लोग रहते हैं जी। फिर से हम रवाना हो रहे हैं साइकिल पर, घूम रहे हैं इस बांकचाओ जंगल के अंदर, और आप भी हमारे साथ आइए और खूब शेयर कीजिए। यहाँ पे सारे लोग साइकिल्स में घूम साइकिल्स पर घूम रहे हैं, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है, आप पैदल मुश्किल है इस पूरी जगह को देखने के लिए, तो आपको ज़रूर चाहिए साइकिल। तो इस तरफ जाना चाहिए। हाँ, पुल तो इस तरफ, गया तो इस तरफ गया, बहुत अच्छी है। चलो चलो आगे। जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और ग्रीन जगह है। अच्छा, इसके लिए मशहूर है ये क्या कहते हैं, बर्ड टावर, बर्ड वाचिंग टावर। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ पे जो स्पीशीज हैं, जो बर्ड्स की किस्में रहती हैं, लोग जो है ना, ये क्योंकि ये दरख्तों से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लोगों के लिए बनाया है इन्होंने, ताकि जो भी स्पीशीज यहाँ पे रेयर। अच्छा, इसको बर्ड टावर कहते हैं, मतलब यहाँ पे परिंदे आते हैं, परिंदे परिंदों को देखने की जगह। अच्छा, जहाँ पे चढ़ के आप परिंदों की डिफरेंट, मतलब एक वॉच टावर है, तो आप ऊपर चढ़ के परिंदे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऊपर चढ़ सकते हैं और चढ़ के ऊपर से भी व्यू लेना है। सही है, हम जाएंगे ऊपर भी जाएंगे। बर्ड्स की तस्वीरें लगी हुई है। ये है क्वेल है ना सर, ये हाँ, ये क्वेल परिंदे हैं। ये है स्पॉटेड डव और फॉरेस्ट वेगटेल, वेगटेल। तो ये परिंदे है, ये जिसको हम क्वेल भी कहते हैं मेरे ख्याल में, तो वो जो यहाँ पे वो सीटियाँ बजाती है वो वाले परिंदे। बिल्कुल, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर इस वॉच टावर के अंदर, हम ऊपर से भी आपको दिखाएंगे कि ऊपर से ये जगह कैसी दिखती है। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जगह दिखाए, चीजें दिखाए। और ये ऊपर है जगह ताकि हम ऊपर से ट्रीज, बर्ड्स वगैरह सब व्यू कर सके। हाँ इंशाल्लाह। जी, तो अब हम आ गए हैं टॉप पर,
ये आप देख सकते हैं, ये भी परिंदे यहाँ पे मौजूद है, पैरट्स है, और ये ब्लैक ड्रांगो है। तो हम अब बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे हम आ गए हैं, ये बिल्कुल टॉप जगह है, वॉच टावर है, यहाँ से हम देखेंगे इस जंगल का व्यू। तो कैसे लगा ये सर? बहुत अच्छा। अभी हम आए हैं बैंकॉक ट्री हाउस, इट्स अ प्लेस फॉर वाचिंग बर्ड्स, परिंदे देखने की जगह। जी बहुत अच्छी जगह है ये। कितना ऊंचा होगा यार ये टावर जो है, ये वॉच टावर, इसकी लंबाई तकरीबन कोई 3-4 फ्लोर सकते हैं। हाँ 3-4 फ्लोर तकरीबन। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ग्रीन व्यू आ रही है नज़र। ये हमारे दोस्त भी हमारे साथ, देखे सारे फोटोज ले रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। डॉग भी है, बड़ा खतरनाक लग रहा है, बहुत सारे डॉग्स हैं आप देखें। मुझे तो डॉग से डर लग रहा है, तो आज तुमने मूव आगे चले। हमारे दोस्त कहीं गायब हो गए हैं, उसको हम ढूंढते हैं कि किधर गायब हो गए। आगे हमारे दोस्त हम आपको ढूंढ रहे थे सर। इधर बी जो है वो उधर गई है। किधर? मशरूम। अच्छा अच्छा आप आ गए ना। पहले वो आई है नहीं। अब हमारा एक दोस्त इस साइड से आएगा, देख अंग्रेज। हम आपको ढूंढ रहे थे, किधर आप गुम हो गए थे आप सर? आप लोगों को देखने गए थे कि बच्चे कहाँ गुम हो गए। नहीं हम आप ढूंढ रहे थे, दो दो चिकने बच्चे हमारे गुम हो गए थे। हम नहीं घूमे थे सर, आप गुम हो गए थे ना। नहीं, हम तो यहाँ और जुबेर साहब एक साथ आ रहे थे। नहीं आप लोग पीछे रह गए, तो हम फिर परेशान हो गए, क्योंकि बड़े होने के नाते चिकने जब गुम हो जाते तो फिर तो नहीं कम। हम कैसे पीछे, हम तो आपसे पहले आए थे। ईसा पीर ना मुसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। सर पाकिस्तान में साइकिल चलाई थी? बहुत सी साइकिलिंग है। अच्छा साइकिलिंग करते हो, जबरदस्त। आपने सर बहुत चलाई? कौन सी वाली? बलूचिस्तान साइकिल फेडरेशन का सर थे आप? स्काउट में, स्काउट में बलूचिस्तान साइकिल बिगू में। अब साइकिल्स को हमें वापस करना है। अब मुझे नहीं पता कि किधर वापस करना है, हमने कहा चली थी क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है। मेन गेट पर वापस जाना है और वहाँ से वापस करके फिर वापस। गाड़ी भी उधर ही खड़ी है, मेन गेट यहाँ से यूं जाएगा। अच्छा यूं जाके उधर। चलो हाँ बोलो, चलोगे आप चक्कर लगाए? बच्चों की तरह जाए जाए, हम आपका वेट कर रहे हैं। पानी, थोड़ा प्यास लग गई हो। पानी पीते हैं और फिर चलते हैं आगे।